राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर आज जहां बीजेपी ने अपने दूसरे प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इसी सिलसिले में बहुजन समाज पार्टी की ओर से अपने 10 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए। आपको बताते हैं कौन है ये प्रत्याशी। भरतपुर से गिरीश चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है, आमेर से मुकेश शर्मा को, कामा से अशकील खान को, महुआ से बनवारी मीणा को, टोडा भीम से राम सिंह मीणा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं सपोटरा से कल्लू उर्फ विजय को उम्मीदवार बनाया है। गंगापुर से रंगलाल मीणा को बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। नीम काथाना से गीता सैनी को और हिंडोन से अमर सिंह बंशीवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब बात करें बांदीकुई से, तो वहां से बीएसपी ने भवानी सिंह की जगह उमेश शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अकेले उतरने का फैसला किया था। चुनाव परिणाम घोषित हुए तो 6 सीटों पर बसपा ने अकेले जीत दर्ज की थी, जिसमें किशनगढ़ से चौधरी दीपचंद खैरिया, तिजरा से संदीप यादव, नंदबई से जोगेंद्र अवाना, उदयपुर वाटी से राजेंद्र गुड़ा, नगर सीट से वाजिब अली और करौली से लाखन सिंह मीणा ने जीत दर्ज की थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में भरतपुर जिले की नंदबई और नगर विधानसभा सीट से बीएसपी के 2 प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए थे, जिसमें नगर से बीएसपी के वाजिब अली और नंदबई से जोगिंद्र सिंह अवाना शामिल थे। चुनाव जीतने के बाद दोनों ही नेताओं ने बीएसपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था और सरकार में शामिल हो गए थे, इसी उम्मीद के साथ कि उन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाया जाएगा। हालांकि अभी जो कांग्रेस ने अपने पहले उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उसमें वाजिब अली और जोगेंद्र सिंह अवाना का नाम शामिल नहीं है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।